बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और क्या कहना चाहेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोस्टर है द ताज स्टोरी का। कलश से प्लीज आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, देखिए अब भारत बदल रहा है और बदलते भारत में कुछ इस तरह के उत्सुक और इस तरह के जिज्ञासु लोग भी आ रहे हैं पृथ्वी पर, जो एंटरटेनमेंट बिजनेस में भी कुछ डिफरेंस पैदा कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा था, एक जैसी फिल्में, एक जैसे रोमांस, एक जैसी कहानियाँ, अब लेकिन विचार अलग, उद्गार अलग और इस तरह की संस्कार अलग, इस तरह के कुछ अलग अलग विषयों पर अब फिल्में बन रही हैं भारतीय सिनेमा जगत से। और इसमें नए नए लोग भी आ रहे हैं और सीखे हुए भी लोग आ रहे हैं, अच्छे मन के लोग आ रहे हैं, अच्छा चाहते हैं वो कुछ अच्छा कर पाएँ। कई बार क्या होता है कि जब अच्छा चाहने की जिज्ञासा लिए आते हैं लोग, तो उनको वैसे ही मन के कुछ लोग क्रिएटिव मिल जाते हैं। जैसे ये हैं तुषार गोयल, हैं ये डायरेक्टर हैं फिल्म के, और इनकी विशेषता ये है कि सुधीर मिश्रा जी को ये असिस्ट किए हैं। और थोड़ा अपने बारे में हल्का सा बताइए। यशराज फिल्म में भी असिस्ट किए हैं 10 साल से, इस इंडस्ट्री में 10 साल से हैं। अभी विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने अवार्ड दिया मुझे मेरी फिल्म के लिए, द पॉटर के लिए। तो साहब इस तरह के जब कायदे के लोग जुड़ जाते हैं, अच्छी फिल्म की स्टोरी बनती है, अच्छे प्यारे मन के और अच्छे धन के दोनों के। सुरेश जी हमारे आए हैं, इनका अनुभव पहले तो जीवन का बहुत अच्छा है, फिर इनके मन में उत्साह जगा कि क्यों ना समय के साथ साथ हम भी कुछ ऐसा करें जो इस पृथ्वी पटल पर कुछ कालजयी हो, कुछ ऐतिहासिक हो। तो इन्होंने इसमें धन भी लगाया, मन भी लगाया। इस यज्ञ के जो यजमान हैं वो सुरेश जी हैं और ये बिहार से मूलतः हैं, लेकिन इनकी जो पृष्ठभूमि है वो बहुत अच्छी है। और ये इस कला संस्कृति साहित्य हमारे सनातन, हमारे जो शैली जीवन शैली है, हमारे जीवन का जो मुख्य आधार है, कैसे जीना चाहिए, भारत कैसा था, भारत कभी बीमार नहीं होता था, शतायु होते थे सामान्यतया लोग, अब बीमार हो रहे हैं। तो इस तरह के जो विचार बदल रहे हैं अब धीरे धीरे, तो नए नए लोग आ रहे हैं, नवाचार हो रहा है, नए प्रयोग हो रहे हैं, यही समय की आज की बहुत आवश्यकता थी। परमात्मा यही कर रहा है, जिसे हम अंग्रेजी में नीड ऑफ द आवर कहते हैं। सुरेश जी, बहुत सारी स्टोरीज हम लोगों ने देखी हैं, ये ताज स्टोरीज में क्या ऐसा छुपा है जो अभी तक मतलब इससे अनजान है लोग? सबसे तो पहले आप लोगों को नमस्कार, आप लोगों का प्यार बहुत मन को अंदर से गदगद कर रहा है। और कैलाश जी इतने सारे अच्छे अच्छे शब्दों से यहाँ पे हमारे बारे में, तुषार जी के बारे में बोले, बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी को। विकास, आपने जो बोला, देखिए बहुत सारी ऐसी तथ्य हैं जो तथ्य हमने इतिहास में कुछ और ही पढ़ लिया है, बल्कि वो कुछ और ही था। बहुत सारी ऐसी तथ्य है जो तथ्य जानना बहुत ज़रूरी है, उन तथ्यों को समेट कर हमने कोशिश किया है कि हमारे मन के अंदर जो आता है जब भी हम लाइंस पढ़ते हैं, जब भी इतिहास के अंदर जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर देखते हैं, तब लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ लाइन में सुधारने की ज़रूरत है। और जो हमारे अंदर वेदना है, वो वेदना को हम दबा के रखे हुए हैं, उस वेदनाओं से हम मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी तथ्य ऐसी है जो तथ्य अभी तक लोगों को पता नहीं है, वो तथ्य सबसे दर्शन होना बहुत ज़रूरी है, यही मेन मकसद है। और वो तथ्य एक बार आने दीजिए, बहुत सारा बात का आंसर आप लोगों को मिलेगा। पद्मश्री, कैलाश जी आपसे भी ये सवाल है कि अभी हम लोग देख रहे थे, जब सुन रहे थे आप रिकॉर्ड करते हुए, गाने को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, तो आज क्योंकि गाना रिकॉर्ड हुआ है तो गाने के बारे में अगर थोड़ा सा बता पाएं। देखिए गाना क्या है साहब, हम लोग गाना गाने के साथ साथ, मनोरंजन के माध्यम के साथ साथ, एक अवचेतन को थोड़ा, हमारे आत्म को थोड़ा, उसको एक जागृत करना, उस चैतन्य को जगाना, वो एक होता है। अच्छा, बिन बोले यदि कोई बात कर सकता है तो वो संगीत है। संगीत के माध्यम से बिन किसी तार के हम जुड़ जाते हैं,
और बिना किसी एफर्ट के हम जग जाते हैं। संगीत में बड़ी शक्ति होती है जी, और इस प्रकार से यदि हम आनंदित होकर गा रहे हैं तो हमारे जो श्रोता हैं वो उस बात को समझ लेते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ, जब ये हम लाइन गा रहे थे इसमें, तो बाद में एक इसके अंदर तांडव जैसा छंद एक गाया हमने, तो मन ही मन हम मुस्कुरा रहे थे, तो एक लाइन हमने मुस्कुरा के गा दी तांडव की, तांडव जैसे छंद हैं आप हंसेंगे, वो लाइन जैसे हमने मुस्कुरा के गाई, तो जितने कंट्रोल रूम में सुरेश जी के साथी बैठे हुए थे, तुषार जी और जो अपने संगीतकार हैं राहुल देवनाथ, उनकी टीम, तो उनके उनके मुखारवृंद पर भी थोड़ी प्रसन्नता आई। तो वो मोमेंट क्या होता है, देखिए हम हंसे तो दुनिया हंसी, हम खुश हुए तो दुनिया खुश हुई, संगीत ऐसा है जी। और ये हमारा जो गाना है ये बड़ा जोशीला है, बहुत ही इसमें पुकार है, इसमें एक हुंकार है, और हुंकार ही की तो अब ज़रूरत है, क्योंकि बहुत दिनों से हम सब सोए थे, तूने सारा जन्म गंवा के अपना गात खो लिया, और गेहूं चावल का गल्ला तो बेईमानों ने ढो लिया, हमें बेईमानों ने घेरा हुआ था हमारे देश को, अब समय आया है जब हमारा पिछले 10 साल से देश जग रहा है, और जितने देशवासी हैं उनके अंदर देवता आ गए हैं जैसे, तो वो ऐसे निर्णय ले रहे हैं चारों ओर जो सही निर्णय हैं। हे मेरे दाता, यही तो चाहिए था भारत को, क्यों? क्योंकि दगाबाजी गद्दारी तो घर घर में पाई जाती है, तो ऐ मेरे नर चेत रे, नर चेत रे, तेरा चिड़िया चुग गई खेत, अरे नर चेत रे, मेरे भारत को तो बहुत सताया गया है। ऐसे में अब यदि मेरे जनता जनार्दन, जिनको हम देवत्व कहते हैं, शिवत्व कहते हैं, यदि वो जग जाए तो फिर तो बात ही बन जाती है, उसी प्रकार का गाना हमारा है। तुषार जी, ये एक बड़ी फिल्म कह सकते हैं आपके डायरेक्शन में ये होगी, क्योंकि अभी तक जो है आपने असिस्ट किया है बड़े डायरेक्टर्स को, लेकिन अब कमान आपके हाथ में जी, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ताज स्टोरी के लिए सुरेश झा जी ने हाँ बोला एज उसको प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि सपने तो हम पाल लेते हैं एज अ राइटर, ठीक है, बहुत बहुत लिखते हैं, सोचते भी हैं, तो मैंने इस सब्जेक्ट पर रिसर्च करी बहुत, मतलब ढंग से, बहुत ज़्यादा सत्यता से रिसर्च करी मैंने इसको, फिर मैंने सर को सुनाया, उन्होंने बोला मैं इसमें आपका साथ दूंगा, तो इस सपने को साकार करने में जितनी मेरी मेहनत है उससे कई ज़्यादा मेहनत और समर्पण सर का है, और इस समर्पण में 4 चांद लगाने वाले हैं कैलाश जी, जिन्होंने आज सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने आज हमारी फिल्म का गाना रिकॉर्ड किया, जयकार हो हुंकार हो, तो थैंक यू सो मच सर। और मेरा यही कहना है कि इस फिल्म को, मेरा मकसद नफरत फैलाना नहीं है इस फिल्म के दौरान, मतलब जरिए मैं चाहता हूँ कि लोग सही तथ्य को जाने और उनको ज्ञान मिले कि एक्चुअल में क्या था ताज, सच में क्या शाहजहाँ ने बनाया था, दिस इज माई क्वेश्चन, उसके पीछे लोग नहीं जानते, विदेशी आते हैं, बहुत सारे हमारे देशवासी वहाँ जाते हैं, लेकिन बस वो उसकी चकाचौंध देख के आ जाते हैं कि वो प्यार की निशानी है, बट एक्चुअल दिस इज नॉट अ फैक्ट, वो प्यार की निशानी है, जब वो फिल्म हमारी देखेंगे आपको पता चल जाएगा क्या क्या मैंने उसमें तथ्य दिए हैं पूरे 100% रिसर्च के साथ। तो सर जी, मैं पोस्टर देख रहा हूँ, पोस्टर बहुत ही आकर्षित है, भगवान ध्वज देख रहा हूँ, शिवलिंग देख रहा हूँ, जरा इस बारे में बताइए कि कौन से तथ्य की आप बात कर रहे हैं? इस वक्त सबसे बड़ा तथ्य चल रहा है ज्ञानवापी का जी, और इसपे अभी फैसला भी आने वाला है जी, इस तथ्य के बारे में बताइए कि क्या है सर? देखिए, ज्ञानवापी के तथ्य पे आपने बात करी है, प्रश्न उठाया है, तो उस पर आपको देखिए क्या है कि जो ASI ने रिपोर्ट अपनी इसमें दी है, तो उसमें बहुत सारे वहाँ पर मंदिर होने का मतलब मिला है रिपोर्ट, मंदिरों की वहाँ पर प्रमाण मिले हैं, ठीक है, तो ऐसे ताजमहल के अंदर भी उसके हिंदू कलाकृति के प्रमाण हैं, ठीक है, कि किसी मुगल शासक ने ताजमहल अपने हाथों से स्क्रैच से नहीं बनाया है, इसमें अपने हिंदू मजदूरों का, हिंदू संपदा का धरोहर है पूरा उसमें, मतलब जुड़ी हुई है इस चीज़ से, तो जो सारी चीज़ें हैं, हिंदू आकृतियां हैं, और ऐसे जो तथ्य हैं जो अभी मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता, आपको फिल्म के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, इसलिए मैं अपने शब्दों को थोड़ा कंट्रोल वे में बोल रहा हूँ, बट आपको जब पता चलेगा कि ये जो मैंने झंडा और जो ध्वज और जो पोस्टर पे शिवलिंग लगाई है कि एक्चुअल फिल्म में है, और ये प्रमाणित हो जाएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि ये बनाया किसी हिंदू राजा ने ही था, और उसका नाम मैं अभी रिवील नहीं कर सकता,
वो सब फैक्ट्स है उस पे मेरे कर लेंगे। तुषार जी, एकता में अनेकता में एकता का देश है हमारा भारत, और जैसे आपने कहा आपने रिसर्च की है, अभी हमें ये भी पता चला कि सुधीर मिश्रा के अंदर आपने काम भी किया है, तो सीनियर डायरेक्टर से भी आपने क्या कुछ कंसल्ट किया, अपनी स्टोरी रिसर्च कुछ पेश की, कुछ मिला कुछ? देखिए कुछ सीनियर डायरेक्टर से मैंने किया है, बट मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा और सुधीर मिश्रा जी का बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो सीनियर डायरेक्टर है, सीनियर मोस्ट डायरेक्टर है। बट मैं यही कहना चाहूंगा कि जब कोई फिल्म मेकर फिल्म बनाने निकलता है तो वो अपनी रिसर्च पूरी करता है उस पर, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग क्या होता है अगेंस्ट भी होते हैं और फेवर में भी होते हैं आपके, ठीक है। तो मैं बहुत सारे डायरेक्टर्स मेरे अगेंस्ट भी थे और बहुत सारे फेवर में भी थे, और जैसे आप इंडस्ट्री में देख रहे हैं आजकल राइट और लेफ्ट का वो चल गया है बहुत ज़्यादा, कुछ फिल्म मेकर्स पूरी तरह से लेफ्टिस्ट हो गए हैं, कुछ फिल्म मेकर्स राइटिस्ट हो गए हैं, बट मेरे हिसाब से फिल्म मेकर को सेंट्रलिस्ट रहना चाहिए, ना इधर का ना उधर का, जो फैक्ट बातें हैं वही करनी चाहिए। तो ना मैं अपना आपको राइटिस्ट बोलता हूँ ना लेफ्टिस्ट बोलता हूँ, तो इसलिए मैं उनसे सलाह नहीं लेना चाहता कि जो बहुत ज़्यादा लेफ्ट विंग वाले हैं या राइट विंग वाले हैं। अच्छा सर जी, एक क्वेश्चन है, पोस्टर माइंड ब्लोइंग है, बहुत अच्छा बनाया आपने, और कुछ कॉन्सेप्ट कुछ सोचा भी होगा आपने जिसपे दिखाया है पहले के राजा महाराजा आते थे, कोई जंग जीतते तो झंडा लगा देते थे, वो उनका ही राज हो जाता था, इस तरीके इस पर झंडा लगा है, और जो शिवलिंग है वो उसका आकृति उल्टी आ रही है, इसका क्या मैसेज है? सर देखिए, शिवलिंग जो आकृति उल्टी आ रही है वो रिफ्लेक्शन है, जो ताजमहल आप देख रहे हैं ना, ये ताजमहल पानी में रिफ्लेक्शन ताजमहल का होना चाहिए था। तुषार तुषार जी, बहुत सारी चीज ऐसी है जब पिक्चर आएगी तो सब कोई देखेंगे, और मेरा कहना ये है, मेरा आग्रह है कि देखिए शिव भक्त कैलाश जी यहाँ बैठे हैं, आपने शिव की चर्चा की, तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज है, जब इनके गाना आप सुनेंगे तब कुछ कुछ पता चलेगा, और जब आप फिल्म देखेंगे तो बहुत कुछ पता चलेगा, इसलिए कुछ चीज ऐसी रहने दीजिए, जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको दिखेगा। देखिए, सबके मन को शुद्धिकरण करने वाले आ चुके हैं, सबके मन के शुद्धिकरण करने वाले आ चुके हैं, इसलिए शुद्ध मन से शुद्ध चीज देखिएगा, आपके सामने शुद्ध चीज आएगा। गुनगुना लीजिएगा कैलाश जी, वो जो गाना था थोड़ा एक सब गाना, अभी गाना नहीं भाई, आप तो समझदार हैं, पता लगा कहीं और है घूम रहा है इनका विचारों का मुखड़ा। सर ये सर बताइए, सर रिलीजिंग की प्लानिंग कहाँ होगी, कुछ अगर उस बारे में अगर ऑल ओवर इंडिया रिलीज की प्लानिंग रहेगी, और कब तक थोड़ा इसके लिए इंतजार करेंगे आप, क्योंकि हम बहुत सारी चीज ऐसी है जिसको वो चीज लाना चाहते हैं जो हमने देखा है, और उसके क्या परिष्कृत चीज आएगी वो उसमें थोड़ा हमें समय लगेगा, और जब बड़ी पिक्चर बनती है तो मुझे तो लगता है कि आप लोग फिल्म वाले हैं तो जानते ही हैं कि साल दो साल लग ही जाता है, बट उतना समय नहीं लगेगा, हमारा रिसर्च चालू है, कुछ पॉइंट ऐसे भी हैं जिस पे और रिसर्च करने और हम कर रहे हैं। थैंक यू सर।